हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। हम लोग एवरी वीक ग्रोसरी के लिए जाते हैं, तो सोचा आज आप लोगों को अपने साथ लेके चलें। हम लोग यहाँ पे कुछ ब्रेड सेलेक्ट कर रहे थे गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए। हम लोगों ने फिर अपनी जो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है डेली ग्रोसरी के लिए प्याज हो गए, आलू हो गए, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। ये देखिए यहाँ पे आलू की कितनी सारी वैरायटी है जो पैक्ड हैं। ले रहे हैं लीमू है कि लीमू है पता नहीं चल रहा। लीमू है लाम से। यहाँ पे वैरायटी ऑफ मशरूम्स हैं, ये जैसे कि आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मशरूम्स हैं, इनकी डिफरेंट प्राइसेस हैं। यहाँ पे ये ग्रीन वेजीज हैं, ये देखें कितनी फ्रेश हैं, इस पर स्प्रे होता रहता है और ये सारी फ्रेश रहती हैं। फ्रूट्स के सेक्शन में आ गए हैं और डिफरेंट हम लोगों के डिफरेंट फ्रूट्स हमने पिक किए यहाँ से। टमाटर की सेम समझ आ रही है। बहुत बड़ा भाई, ये असली भी है, नकली तो नहीं टमाटर गई। ये साफ लेता है यहाँ से। ये सारा फ्रोजन सेक्शन है यहाँ का और हम यहाँ पे ज़्यादा फ्रोजन सेक्शन से कुछ हमें यहाँ पे जो वेजिटेबल्स नहीं मिलती है, जैसे कि ये पीस वगैरह जो होते हैं मटर, ये हम लोग ले लेते हैं। फिर क्योंकि इस वीकेंड पे पिज्ज़ा बनाना था तो कुछ लोग हमारे ग्लूटेन फ्री पिज्ज़ा खाते हैं, तो हमने ग्लूटेन फ्री पिज्ज़ा मिक्स लिया। यहाँ पे देखें ग्लूटेन फ्री के कितने सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें कन्फेटी है, ऑल पर्पज़ फ्लावर भी ग्लूटेन फ्री अवेलेबल है, कुकी मिक्स भी मिलता है, फिर मफिन मिक्स मिलता है। ये तो सारी क्यों लिए? मिलते ही नहीं, वैसे भी सोचते दो और पड़े होंगे। सोच ले। फिर क्योंकि पिज्ज़ा बनाना था तो हम पिज्ज़ा सॉस देख रहे थे। यहाँ पर वैरायटी ऑफ सॉसेस अवेलेबल थी जिसमें मशरूम बेजल वगैरह के साथ थी। हमें पर्टिकुलरली एक तो पिज्ज़ा और मार्गरीटा वाली ही सॉस चाहिए थी, फिर हमने ये दो सॉसेस ले ली। यहाँ हम चीज़ देख रहे थे, यहाँ चीज़ की इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि हम खुद परेशान हो गए कि हम इसमें से कौन सी चीज़ लें। फिर यहाँ ये कुछ रैप्स थे जिसमें चेडर रैप था, पामेजान रैप था जो मेरे लिए भी नया था, कुछ यहाँ पर चेडर चीज़ जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा शार्प चेडर चीज़ होती है, फिर हम शार्प थोड़े से हमारे लिए टेस्ट बर्ड्स के लिए इतनी मज़े की नहीं होती, तो वो फिर हम वही डिसाइड कर रहे थे। क्योंकि पाकिस्तान में तो एक एडम्स की चीज़ आती है जिसमें मोज़रेला चेडर होती है, उसमें इतने सारे ऑप्शन नहीं होते। फिर मैंने ये एक एग वाइट वाला रैप उठाया जो कि मैंने बनाया और ये बहुत मज़े का बना, जो लोग ज़्यादातर एग्स वैसे नहीं खाते उसके लिए अच्छा जैसे कि मैं। तो हम लोग इसी तरह इस पर डिस्कशन करते रहे कि हमने कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी चीज़ लेनी है, तो फाइनली फिर हमने जो है वो चीज़ वगैरह को डिसाइड किया। स्मोक्ड, ये सही चीज़ लग रही है। कितने की है? $5 की है। यहाँ पे भी काफ़ी सारी श्रिम्स और जितने भी सुई फूड हैं उसकी ये पैकेज फॉर्म में होते हैं, ये इस तरह $7, $12 डिफरेंट प्राइसेस में होते हैं। ऑब्वियसली कुछ ऐसा मीट है वो जो हम नहीं खा सकते, ये ब्लूबेरी पाई वगैरह है। यहाँ से फिर श्रेडेड चीज़ के काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, मार्केट बास्केट की जो खुद की चीज़ है वो इनमें से किसी को पसंद नहीं आई, तो फिर मैंने क्राफ्ट की चेडर और ट्रिपल जो है वो मोज़रेला चीज़ ले ली। फिर मैंने ये न्यूटेला पिक कर ली क्योंकि मैं सोच रही थी कि वीकेंड पे जो है वो को मज़े की आप लोगों को बेक रेसिपी बताऊं। अब आती है बिलिंग की बारी और काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि ग्रोसरी पूरे वीक की होती है तो काफ़ी ज़्यादा ही चीज़ें होती हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बिल भी बन जाता है। लेकिन कोई नहीं, हमें क्योंकि चीज़ें चाहिए थी पिज़्ज़ा के लिए, कुछ डिफरेंट चीज़ें चाहिए थी, तो हमने कुछ ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट की पिज़्ज़ा वगैरह के लिए। कॉर्नफ्लेक्स की बहुत सारी वैरायटी होती है यहाँ पर, लेकिन हमें अपने वो जो नॉर्मल कॉर्नफ्लेक्स होते हैं जैसे कि फौजी के आते हैं वो उसी तरह के पसंद हैं। ये सारा सामान हमने वन बाय वन गाड़ी में रखा ताकि जल्दी से भागा जाए घर की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।